गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रुचि पांडे, डॉक्टर रुचि पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आपको आज एक यूनिट फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक फर्स्ट ईयर का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला टॉपिक एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बेसिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक। दिस इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कुछ लोग हिंदी में भी होंगे इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। डी ब्रोगली थ्योरी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं जिसे हम। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था? डी ब्रोगली ने बोला था, ही पॉइंटेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक ए लाइट एज वेल एज लाइट ए लाइट एज वेल एज पार्टिकल्स बिहेवियर। उसका बिहेवियर किसकी तरह होता है? पार्टिकल्स की तरह भी होता है, वेव की तरह भी होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है जो उसका बिहेवियर होता है दोनों टाइप से होता है, लाइट की तरह भी यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स की तरह भी और साथ साथ वेव की तरह भी। क्या कह सकते हो? जैसे कि वेव, वेव आपको पता है, वेव ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि वेव इस तरह से ट्रेवल करती है, जस्ट लाइक दिस वन, क्रेस्ट एंड थ्रॉट बनता है इसमें, एंड पार्टिकल्स पार्टिकल एज यूजुअल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ही पॉइंटेड दैट, अगर हम इसकी थ्योरी बोलेंगे तो थ्योरी ये होती है, ही पॉइंटेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट ए लाइट बिहेव बोथ एज वेल एज मटेरियल पार्टिकल्स एज वेल एज वेव बिहेवियर। उसका बिहेवियर क्या होता है? मटेरियल पार्टिकल्स की तरह होता है और साथ साथ किसकी तरह होता है? वेव की तरह होता है। उसको इस चीज़ ने एक्सप्लेन करने के लिए उसने, सपोज अगर उसका बिहेवियर पार्टिकल्स की तरह होगा तो उसका मोशन क्या होगा? किसी भी डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, कोई भी। ओके, सपोज उसका मोशन वेव की तरह होगा तो वो वेव की तरह इस तरह से ट्रेवल करेगा। अगर उसका मोशन वेव की तरह होगा तो वो इस तरह से ट्रेवल करेगा। तो यही उसने भी बोला, उसने कहा, उसने थ्योरी को बोला कि उसने कहा कि दोनों तरफ से उसका बिहेवियर हो सकता है कि जस्ट लाइक ए पार्टिकल्स। ये कौन सा बिहेवियर दिख रहा है? दिस वन इज ए पार्टिकल बिहेवियर, दिस वन इज ए पार्टिकल बिहेवियर एंड दिस वन इज ए वेव बिहेवियर। उसका बिहेवियर कौन सा दिख रहा है आपका? ये वेव बिहेवियर दिख रहा है। ओके, सो सपोज हम कंसिडर करें कि सपोज वी हैव एन वन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड इट ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। वो न्यूक्लियस के सराउंड में सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है। एट दिस टाइम इट्स मास इज एम। उस समय उसका मास क्या है आपका? एम है। यू नो दैट द मास इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एम। मास किसके टर्म्स में? आपका एम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, तो उसका मास क्या है आपका? एम है। एंड सेम टाइम जब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, सो इट्स वेलोसिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सी। उसकी वेलोसिटी क्या है? वी है, सी है, या वी भी कहते हैं। वी बाद में आई थी, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट थ्योरी जो थी एनर्जी के टर्म्स में आइंस्टीन ने दी थी, उसने वेलोसिटी क्या बोली थी? सी बोली थी। सो एट दिस टाइम इफ वी ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, एट दिस टाइम इट्स मास इज एम। उस समय इसका मास क्या है? एम है। एंड इट्स वेलोसिटी इज सी। उसकी वेलोसिटी क्या है आपकी? सी है। एंड इट ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस, मे बी ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स बिहेवियर। एट दिस टाइम इट्स मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। उसका मोमेंटम क्या है आपका? क्या है उसका वेवलेंथ? क्या है इसका? लैम्डा है। आपको वेवलेंथ किससे शो किया जाता है? लैम्डा है। उस समय उसका वेवलेंथ क्या आपकी? लैम्डा है। सो इट शुड बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ प्लैंक थ्योरी। हम अगर उसकी एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, जब उसका मोमेंट, जब उसका मास एम है, उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी आपकी सी है, एंड एट दिस टाइम इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा। उसकी वेवलेंथ क्या है आपकी? लैम्डा है। तो अगर हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लैंक एंड एस्टीन, सो व्हाट अबाउट यू फाइंड आउट? तो हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अगर हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करते, अगर हम उसकी एनर्जी फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैंक, सो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक यू नो दैट एनर्जी इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ई इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी क्या होती है? उस समय उसकी एनर्जी क्या होती है? ई इज इक्वल टू एच न्यू। एंड सेम टाइम अगर हम उसको आइंस्टीन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। सो वी गेट टू इक्वेशन। इक्वेशन नंबर वन इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ प्लैंक एंड सेकेंड इक्वेशन इज शोन बाय द आइंस्टीन। सेकेंड इक्वेशन किसने एक्सप्लेन कर दी? आइंस्टीन ने। फ्रॉम इक्वेशन वी टेकिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू, अगर हम इक्वेशन वन और टू को लेते हैं, सो वी फाइंड आउट वॉट एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ई दोनों सेम है, एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ओके, हमें एम इंटू सी स्क्वायर तो ऑब्टेंड हो गया, बट हमें पता है, वी नो दैट, अभी हमें यहाँ पर एक फंडा और फॉलो करना पड़ेगा। वी नो दैट जो प्राइमरी सेक्शन में सिखाया जाता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी ओवर लैम्डा। हम देख रहे हैं कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जिससे वे दोनों क्या हो जाए?
टेम्पेयर हो जाए या कोई पॉइंट एक आपका कट आउट हो जाए। तो हमने इसको क्या करा, न्यू को सी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो वी नो दैट, सो अपॉन हमने एक पॉइंट यूज करा, वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सो वैल्यू नाउ द वैल्यू पुट इन, नाउ वैल्यू पुट इन द इक्वेशन, इसको हम इसके इक्वेशन थर्ड मान लेता है। नाउ वैल्यू पुट इन इक्वेशन थ्री, हम उसकी वैल्यू कहां रख देते हैं, इक्वेशन थ्री में पुट कर देते हैं। तो न्यू की वैल्यू हमने इक्वेशन थ्री में पुट करी, तो वी फाइंड आउट एच, न्यू की जगह पर हम रख देंगे, न्यू की जगह हमने रखा सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी कट गया, वी फाइंड आउट एच लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी, कंपेयर इस लैम्डा को ऊपर पहुंचा देते हैं, एम इंटू सी को नीचे पहुंचा देते हैं, एच अपॉन एम इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका लैम्डा, बिकॉज एम इज द मास एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी जिसे आप कहते हो। तो हम कई कई बार कह सकते हैं एम इंटू सी को हम क्या कहते चलते हैं पी, या कई लोग क्या कहते चलते हैं, इसमें दो कंडीशन चलती हैं, एम इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा, एम इंटू सी इज इक्वल टू लैम्डा, और आपको पता है सी इज इक्वल टू किसके होता है वी के, ठीक है। सी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी तो हमारे आइंस्टीन के अकॉर्डिंग था, बाद में वेलोसिटी को दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी आल्सो, सो वी फाइंड आउट व्हाट एच अपॉन एम इनटू वी इज इनटू लैम्डा, सो नाउ एम इनटू वी इज इक्वल टू पी, एम इनटू वी किसके इक्वल होता है पी, जिसे हम क्या कहते हैं मोमेंटम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं मोमेंटम, जिसे हम क्या कहते हैं मोमेंटम, सो नाउ व्हाट एच ओवर पी इज इक्वल टू लैम्डा, तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ एच ओवर पी इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट ऑब्टेन हुआ आपका लैम्डा के इक्विवेलेंट ऑब्टेन हुआ, ओके। सो नाउ हमें इससे क्या क्लियर, और आपको पता है कि ये क्या है, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट, एच हमारा क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास लिखने के लिए हमारा फाइनल डी ब्रोगली इक्वेशन आपकी क्लियर हो चुकी है, डी ब्रोगली इक्वेशन हमारी पूरी हो चुकी है, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब हमारा इक्विलिब्रियम इक्वल का साइन हटा दे तो हमारे यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सो वी फाइंड आउट व्हाट वन ओवर पी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वी फाइंड आउट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लैम्डा क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके मोमेंटम के, अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा, सो दिस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय द साइंटिस्ट डी ब्रोगली इन 1924, इस हाइपोथेसिस को हम कौन से हाइपोथेसिस कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इससे हमें क्लियर हुआ कि हमारा मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ओके। तो आप एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी, उसे हम कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, गिवन इन 1924, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस वी फाउंड आउट द एनर्जी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स और द इलेक्ट्रॉन, ओके। अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक ए बिहेव ए लाइट पार्टिकल्स एज वेल एज मटेरियल पार्टिकल्स और एज वेल एज वेव पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका बिहेवियर जो होता है ये बहुत लाइटर पार्टिकल होता है, उसका बिहेवियर जो होता है वेव की तरह भी होता है और आपका स्मॉल पार्टिकल्स की तरह भी होता है, अगर उसका बिहेवियर वेव की तरह है सो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, अगर वो पार्टिकल्स की तरह है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। सपोज लेट अस कंसीडर द एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, एट दिस टाइम इट्स मोमेंटम इट्स मास इज इक्वल टू एम एंड स्पीड इज इक्वल टू सी एंड एट दिस टाइम सेम टाइम इट्स वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ट्रेवल कर रहा है उस समय उसका मास एम है स्पीड सी है और लैम्डा वेवलेंथ उसकी लैम्डा है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, ये किसके अकॉर्डिंग था प्लैंक के अकॉर्डिंग, ये प्लैंक के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ये आइंस्टीन के अकॉर्डिंग द एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू एस न्यू एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इज इक्वल टू एम इनटू सी स्क्वायर, सो नाउ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन देन वी फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप, सो दिस इज नोन एज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।